हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और हटके वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि होने वाली है मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हुमायूं टॉम्ब के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है वो है 40 रुपीज़ अगर आप कैश से पे करते हैं, और अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो 35 रुपीज़ है। तो इस बड़े से गेटवे का नाम है बू हलीमा गेटवे। तो यहाँ से जो है हमारे हुमायूं टॉम्ब का जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसमें एंटर होते ही हम हुमायूं टॉम्ब के अंदर एंटर हो जाएंगे फाइनली। और देखते हैं कि आगे हमें किस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है देखने में और आर्किटेक्चर। यहाँ पे जैसे इंटर होते हैं, इसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में छोटा सा म्यूज़ियम बना रखा है। वहाँ पे वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि खुदाई में निकली है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी वहाँ पे रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड हिस्टोरिकल है। तो म्यूज़ियम में मैंने सिर्फ एक ही साइड कवर किया, दूसरे साइड मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप जाके विज़िट करो अगर आपको पसंद आए वीडियो। और कुछ ऐसी चीज़ें आप देखो जो मैंने इस वीडियो में नहीं शो करी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। वेल, इतने दूर चलने के बाद हमें फाइनली हुमायूं का मकबरा तो दिख गया। गाइज, इतना दूर चलने के बाद आई मैं और मुझे ये देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि फाइनली मैंने कुछ अचीव किया है अच्छा इतना चलने के बाद। आपको हुमायूं टॉम्ब के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि हुमायूं टॉम्ब जो है वो नंबर 1 मॉन्यूमेंट्स में से आता है जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल है। और उसके अलावा जो उसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एंटीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही ताजमहल जैसे इमारतें बनी। तो चलें इसको ऊपर से भी देख लें और अंदर से भी देख लें कि क्या इसके अंदर है और किस तरह का आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंटर जैसे ही होते हैं तो हमें बहुत बड़ा सा डोर दिखता है दोनों साइड पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने से, पुराने ज़माने का है, बहुत अच्छा लुक आता है और काफ़ी बड़ा है। और उसके अलावा सीलिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टोन से वर्क किया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है ये। हर तरफ यहाँ पर जालदार वर्क का यूज़ किया गया है, छोटे छोटे पत्थरों से बनाया गया है पूरा ये मॉन्यूमेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसी के साथ मैं आगे बढ़ी तो सबसे पहली जो कब्र मैंने देखी वो हुमायूं की कब्र है, और काफ़ी पुरानी कब्र है ये। इसके अलावा सिर्फ हुमायूं की कब्रें ही नहीं हैं, बहुत सारे लोगों की कब्रें यहाँ पर है। वैसे तो मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता लोगों के कि कौन कौन से या फिर किस किस की कब्रें हैं यहाँ पर। अगर आपको बहुत डिटेल्स में जाना है, डिटेल से पढ़ना है, तो आप यहाँ पर विज़िट करो। वहाँ पे छोटे छोटे से नोट्स लिखे हुए हैं कि कितने लोगों की कब्रें यहाँ पे हैं, आप वहाँ से आकर के चेकआउट कर सकते हो।
फिलहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हुमायूं टॉम के अंदर चार बाग बनाए गए जो कि बहुत बड़े बाग हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी यूनिक लगी, यूनिक इन द सेंस ऑफ मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह भी हो सकता है। तो फाइनली यह आपके सामने पेश है बार्बर टॉम, मतलब यहाँ पे जो हुमायूं का जो बार्बर था, जो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा उनका बार्बर था, उसकी कब्र है ये। तो चलें अंदर से देख लेते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो काफ़ी अंधेरा था यहाँ पे, मुझे तो जाने में भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी हुमायूं टॉम के बारे में काफ़ी सारा हॉरर चीज़ें सुन रखी थी कि ये हॉन्टेड प्लेस में से भी आता है। तो मेरी हिम्मत नहीं करी कि मैं और आगे जाऊँ। तो फ़िलहाल मैंने आपके लिए सिर्फ इतना कवर किया कि यहाँ पे जो बार्बर था उसकी वाइफ और बार्बर की कब्र है। तो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। हुमायूं जो बादशाह थे उनको पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, तो उन्होंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनवा रखी थी और ये वो लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है। वैसे तो ये लाइब्रेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, टूट गई है, मगर मैं यहाँ पे ऊपर इसलिए गई क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ दिखी जो कि मैंने सोचा नहीं था कि ये पीछे की तरफ ही स्टेशन होगा। रेलवे ट्रैक यानी कि रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ ही था, तो मैं बस वो देखने के लिए गई थी। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा देखने गई थी कि यहाँ पे पूरे हुमायूं टॉम के अंदर जो थोड़ा सा कलर का यूज़ किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज़ किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि आगे हमें क्या विज़िट करने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा। हुमायूं टॉम के अंदर कुएं भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुआं दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हुमायूं टॉम की मस्जिद, जिस मस्जिद में आज भी फ्राइडे के टाइम पे नमाज़ें होती हैं। तो ये वो मस्जिद है और यहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ी जाती है फ्राइडे के टाइम पे। ये है वो कुआं जो कि आज भी इसके अंदर पानी है और फ़िलहाल गंदा पानी है, ज़्यादा साफ पानी नहीं है, बट पानी है और काफ़ी गहरा कुआं है। कहा जाता है कि पुराने मॉन्यूमेंट्स के अंदर जो कुएं होते हैं वो हॉन्टेड होते हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि ये हॉन्टेड है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हॉन्टेड है। खैर मैं आपके लिए यहाँ पर गई और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गहरा था और इसके अंदर अभी भी पानी अवेलेबल था।
ये वो मस्जिद है और यहाँ पे जो है शूज़ लेकर जाना ऊपर बिल्कुल मना था, मगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि उनको पता नहीं है या फिर वो पढ़ करके भी अननोन बनते हैं और शूज़ पहन करके वो चले जाते हैं। तो मैंने ये काफ़ी चीज़ें नोटिस करी थी वहाँ पर, बट मैं शूज़ उतार के गई थी ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर अभी भी नमाज़ होती है तो हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। ये मस्जिद काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और वो दिखने से ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। तो खैर यहाँ पे बस इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ हमें न्यू मिलेगी। इस पार्ट की तरफ जब मैं आई थी हुमायूं टॉम के, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गिर गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, गिर गया है। खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जल्दी जैसे चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं कि क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी नई। तो वैसे तो ये सबसे फर्स्ट पे ही आता है मॉन्यूमेंट हुमायूं टॉम के अंदर, बट मैंने ये सबसे लास्ट के लिए रखा था और अब मैं सोच रही हूँ इसके अंदर जाने के लिए कि मैं किस तरह से जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, मगर फिर भी मैंने आपके लिए शूट करा। तो प्लीज़ लाइक तो करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और अपने एक्सपीरियंस इसके अंदर ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट के थ्रू, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने ऐसा कौन सा पार्ट देखा जो कि मैंने इस वीडियो में मिस किया। फिलहाल के लिए चलते हैं घर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। बी सेफ, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।